नए साल का जश्न पूरी दुनिया मना रही थी, लेकिन एक जश्न ऐसा भी था जिसे आप सात्विक भी कह सकते हैं। जी हाँ, संगीत की दुनिया के सितारे इस जश्न में शामिल हुए, जिनमें अमय दबली, सलीम सुलेमान की जोड़ी जोनीता गांधी जैसे महारथी थे। यह जश्न संपूर्ण रूप से शराब मुक्त और संपूर्ण शाकाहारी खान पान के साथ आयोजित किया गया। आयोजकों का यह लिकर फ्री कॉन्सेप्ट बड़ा ही सराहनीय रहा। इस पार्टी के सह आयोजक ब्राइट एडवर्टाइजिंग के योगेश लखानी ने कहा कि शुद्ध शाकाहारी और लिकर फ्री इस पार्टी से वो इतना आकर्षित हुए कि उन्होंने कई सारी ऑफर्स को ठुकरा दिया। 2018 थोड़ा मुश्किलात से गुजरा है, बहुत सारे कुछ कुछ हमारी चीज़ें हैं, फिल्म इंडस्ट्री भी थोड़ी मुश्किलात दौर से गुजरी है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये साल थोड़ा अच्छा नहीं गया, बट ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मुझे लगता है 2019 बहुत ही कमाल का रहने वाला है, और लाइफ में हम हमेशा सोचते हैं कि यू नो कुछ प्रॉब्लम्स होती है कुछ, बट ज़िंदगी यही है कि हमें कैसे किस तरह से हम जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको किस तरह से हम टैकल करके आगे बढ़े, वही ज़िंदगी है। और मुझे पूरा यकीन है आज 2018 की आज लास्ट आखिरी रात है, और पूरा यकीन है 2019 बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। लास्ट 25 साल से हम लोग म्यूज़िक कर रहे हैं, और उन 25 सालों में हमने बहुत सारे हिट गाने बनाए, फिल्म है जैसे रब ने बना दी जोड़ी है, डांस पे चांस, कुर्बान जिसके काफ़ी सारे अच्छे गाने थे, फैशन जो हमारी सबसे बड़ी फिल्म थी उस वक्त की, ऐसी काफ़ी सारी फिल्में हैं जिसके गाने हम बजाएंगे, और फिर एंड में एक ऐसा धमाकेदार मेडले करेंगे जाकि सब लोग डांस कर सके और इंजॉय भी कर सके। मैंने पूछा 2019 कैसा रहेगा, तो ब्राइट इसलिए ब्राइट रहेगा। और दूसरा, मैं बम्बई के 15 न्यूयॉर्क का काम करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 8 साल से किधर नहीं जाता हूँ, मंदिर या घर या माँ बाप के साथ न्यूयॉर्क बिताता हूँ। लेकिन ये बार इन्होंने बोला नो अल्कोहल और नो नॉनवेज है, तो ये मैं जैन हूँ, तो मुझे इतना कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मैंने सब छोड़ के इस कॉन्सेप्ट में आने का सोचा। 8 साल के बाद मैं पहली बार आ रहा हूँ 31 मनाने को, प्लस मेरे को जितने भी फोन्स आए मेरे दोस्त लोग के, सिर्फ इनके पास के लिए आए। मैं भी व्हेन आई एम परफॉर्मिंग, द होल आइडिया इज कि फैमिलीज को लेकर एक माहौल बने जिसमें लोग अपने घर वालों के साथ बाहर आ सके। तो हमें परहेज नहीं है जो पीपल हु वांट टू हैव फन इन एनी अदर वे। गायक और संगीतकार सलीम ने कहा कि 2018 उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, लेकिन उन्होंने ये आशा भी जताई कि नए साल में कुछ अच्छा करने का मौका भी मिलेगा। गायक अमेय काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए और कहा कि इस जश्न का मकसद लोगों को संगीत से मंत्रमुग्ध कर देना है। उपस्थित संगीतकारों ने आशा जताई कि इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर लोग आने वाले समय में संगीत में लीन होकर ऐसे ही लिकर फ्री कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे।